भाई इस समय हम फरीदाबाद के अंदर और आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके आ चुका हूँ जहाँ पे भाई 70 साल के अंकल जी बहुत ही बढ़िया मतलब 5 स्टार फेल करने वाले शेक पिला रहे अंकल। हाँ जी, पैसे लेके 150 रुपए तक जूस होता है हमारे पास और सारे असली होते हैं। यहाँ कोई नंबर दो का काम नहीं है, नंबर वन का काम है। बिल्कुल जो है आपके सामने जो भी है डंके की चोट पे है। चीजें रहती है, देसी खांड है। देसी खांड, ये रानी खजूर है, ये अपनी किशमिश है, ये है काजू और बादाम है, ग्राइंड किए हुए हैं, ठीक है, पिसे हुए हैं, ये अखरोट है, ठीक है, ये अपने खोया आ जाता है भाई, देखो ठीक है, अमूल का फ्रेश दूध एकदम। और भाई एक बार ये बोर्ड चेक करो, कितनी ज्यादा वैरायटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। आज हमें कौन सा शेक पिलाओगे? चॉकलेट का। चॉकलेट शेक बना रहे हो? तो भाई बनाओ, कैसे बनाते हो? ये सबसे पहले क्या आ रहा है? ये दो चॉकलेट डल रही हैं इसमें। फाइव स्टार दो दो। हाँ। अरे वाह भाई, ये अपनी फाइव चॉकलेट का पाउडर डल रहा है। चॉकलेट पाउडर, ये इलायची पाउडर है। इलायची पाउडर, हाँ बहुत बढ़िया। ये इसमें पड़ रही है किशमिश, ये अपनी आ जाती है किशमिश, ठीक है। ये ईरानी खजूर है। ईरानी खजूर, हाँ। दिखाओ अंकल एक बार डब्बा, दिखाओ कौन सा खजूर रहती है अपनी। ये, अरे वाह, ईरानी खजूर, हाँ। बहुत बढ़िया। खोया डलेगा? खोया भी आ जाएगा, हाँ। अरे वाह, तो अंकल कैसा शेक बना रहे हो, मतलब इतना गाढ़ा शेक? गाढ़ा ही बनेगा, क्रीमी बनेगा ये, ठीक है। ये दूध पड़ेगा प्योर, ठीक है, हाँ। तो अंकल जी और कौन कौन से जूस मिल जाते हैं अपने पास? सारे होते हैं, जैसे कि बोर्ड पे लिखे पड़े हैं। भाई ये देखो कितनी ज्यादा वैरायटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और सारी सीजन के हिसाब से। अच्छा, सीजन के हिसाब से चेंज भी होती है? हाँ, सीजन के साथ सारे प्योर हैं, ठीक है, कोई नकली काम नहीं है हमारे पास, ठीक है, सारा जेन्युइन काम है। अरे वाह भाई, ये देखो ये पहले अपना शेक आ चुका है, फ्लेयर पड़ेंगे ड्राई फ्रूट की। अच्छा, हाँ ये देखो एक फ्लेयर ये डल गई है, ठीक है, और ये इसके ऊपर गया, फिर से जूस आ गया, फिर ये फ्लेयर पड़ गया। अरे भाई साहब ये देखो, ये अपने ड्राई फ्रूट रहने वाले हैं। हाँ, ये आएगा इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा, ठीक है, तो ये आपका जूस तैयार हो गया भाई, इतना हैवी जूस। अंकल जी हमारा जूस का गिलास रेडी है? रेडी है भाई साहब, ये देखो ये अपना यहाँ पे जूस का गिलास बन के हो चुका है रेडी। तो क्या प्राइस रहता है अंकल जी इसका? 100 रुपए। 100 रुपए, अरे वाह, ये अपना जूस हो चुका है भाई रेडी, ठीक है। अंकल जी ये जूस पीने के लिए आना कहाँ पड़ेगा, लोकेशन और टाइमिंग बताओ एक बार। शिव मणि के सामने है, ठीक है, ये भाई ये देख सकते हो ये अपनी लोकेशन रहने वाली है, और यहाँ पे अंकल जी जूस लगाते हैं। अंकल टाइमिंग क्या रहती है? 8 से 5 बजे तक। 8 से 5 बजे तक सारे जूस अवेलेबल रहते हैं? संडे छुट्टी होती है। अच्छा, संडे ऑफ रहता है। अरे वाह, तो भाई ये यहाँ पे हमारा चॉकलेट शेक बन के रेडी हो चुका है, मात्र 100 रुपए के अंदर, और भाई इतना गाढ़ा शेक है, एक बार ये चीज चेक करो, ये देखो भाई थिकनेस, ठीक है, तो इसको टेस्ट करते हैं। शेक तो भाई जनरली बहुत बढ़िया, और शेक ऐसा है कि भाई आप इसको ना आइसक्रीम की तरह खा सकते हो पीने की जगह, इतना थिक शेक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसा शेक रहने वाला है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और जल्दी से पेज को फॉलो कर लो।